तो इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन है, 30 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन, जो एक सिविल साइड इंजीनियर को पता होना चाहिए। ऐसे तो आप जाके हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रैक्टिकली हम बताएंगे, थोड़ा रिलेट करेंगे साइड से, तो ईजिली समझ जाओगे और अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, जब स्टीरअप प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारे हुक होता है वो हमारा किस साइड होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए कंप्रेशन जोन की तरफ। तो जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन जोन होता है जो न्यूट्रल एक्सिस है ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है, और जो उसका कंप्रेशन जोन वो नीचे होता है। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, ऊपर, और टेंशन जोन कहाँ होता है, नीचे। तो दोनों में उल्टा होता है और स्टीरअप भी उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रैक्टिकली फील्ड पे भी काम आता है, एक अच्छे सिविल इंजीनियर की यही निशानी है कि दोनों में वो चीज़ें समझ के प्रोवाइड करे स्टीरअप, और इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज लीस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स, जो डिफरेंट आरसीसी मेंबर हैं उनमें लीस्ट कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है। कम से कम फुटिंग में 50 mm से कम नहीं, और कॉलम में 40 mm, बीम में 25 mm, और स्लैब में 20 mm प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो ग्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं, आईएस कोड जो 456। और मैं हर एक सिविल इंजीनियर को ज़रूर कहता हूँ, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या अच्छा नॉलेज चाहते हो साइड पे, तो जो आईएस कोड है वो पढ़ो अच्छे से। और अगर आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियोज आईएस कोड पे ही लाऊंगा मैं, आईएस 456 पे। तो आईएस कोड 456 2000 कहता है जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है ग्रेड है वो है M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95 और M100। M हो गया मिक्स, और 65 उसकी हो गई करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो ये मिक्स डिज़ाइन है पूरा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स हैं उनमें कॉलम का क्या फंक्शन रहता है। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जो सपोर्ट क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चर देखो, स्लैब है, स्लैब का लोड बीम पे, बीम का कॉलम पे, और ऊपर के स्टोरी के कॉलम का नीचे वाले कॉलम, वो कॉलम नीचे ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ फुटिंग में, तो वो लोड ट्रांसफ़र का काम करता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मेंबर है हमारा कॉलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो होती हैं, जो कंक्रीट मिक्स हैं, नॉमिनल मिक्स हो गए या डिज़ाइन मिक्स, M10 का होता है 1:3:6, 1 हो गया हमारा सीमेंट, 3 हो गया सैंड, और 6 हो गया एग्रीगेट, क्लियर। और M15 का 1:4, M20 का 1.123, M25 का 1:1:2, और M30 का 1:1:1 हमारा रहता है, और M30 M25 डिज़ाइन मिक्स में आते हैं मोस्टली। बट डू यू मीन माई हनीकॉम इन कॉन्क्रीट, हनीकॉम क्या होता है, देखो इसको देसी लेवल लैंग्वेज में गंजा भी बोला जाता है। क्या होता है, बॉइड्स रह जाते हैं, एयर पॉकेट्स रह जाते हैं कंक्रीट में, वो किस वजह से होता है, जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो सेग्रीगेट मटेरियल है, प्रॉपर से कंपैक्शन या वाइब्रेशन आपने नहीं की, तो उसमें बॉइड्स रह जाते हैं, तो उसे हम हनीकॉम बोलते हैं। तो वाई शुड पंपिंग नॉट बी यूज इन कंक्रीटिंग वर्क, देखो पंपिंग क्यों पहले पॉसिबल नहीं हो पाती थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। देखो पंपिंग के दौरान क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर से कंक्रीट को जहाँ कास्टिंग करना है वहाँ पाइप के थ्रू भेजा जाता है पंप की हेल्प से। तो उसी दौरान होता क्या है, जो पाइप होती है उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है, क्योंकि एग्रीगेट सब मटेरियल जा रहा है, उसमें सिर्फ जो पंपेबल चीज़ क्या पानी है, तो बाकी चीज़ें फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी पंपेबल कंक्रीट होता है, पंप के द्वारा कंक्रीट किया जाने वाला है, उसमें सीमेंट की रेशियो भी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, सीमेंट 10% ज़्यादा रखा जाता है। बाकी एग्रीगेट अगर अच्छे साइज़ का, अच्छी ग्रेडिंग करके डाला जाए, तो ईजिली आप हम कंक्रीट पंपिंग से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल टेकन फॉर 6 क्यूबिक मीटर, अगर 6 से 15 m³ कंक्रीट है तो कितने सैंपल हमें देने होते हैं। देखो 7 दिन पे हमारे 3 सैंपल चेक होते हैं, और 28 दिन पे दोनों पे चेक किया जाता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि जिस ग्रेड का कंक्रीट बन रहा है उतनी स्ट्रेंथ वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो हमें 2 सेट उसके करने होते हैं। डज वाटर डैमेज कंक्रीट, क्या पानी कंक्रीट को डैमेज करता है। देखो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, प्लेन जिसमें रेइनफोर्समेंट नहीं है, उसको पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जहां आरसीसी हुई है, अगर आरसीसी के अंदर पानी घुस जाए तो जो सरिया हमारा होता है उसमें क्रोड लग जाती है, ड्यूटोरेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो स्टील है वो सड़ जाता है अंदर,
और वो इफेक्ट कर सकते हैं कंक्रीट को। तो जो आइडियल सीमेंट मिक्स होता है उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो इनिशियल आइडियल होता है 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल उसका होता है 10 आवर या से 600 मिनट उसको बोल लीजिए। और मैसनरी के लिए सीमेंट 90 मिनट उसका इनिशियल रखिए, और जो फाइनल उसका 24 आवर का उसका रहता है। एंकरेज लेंथ क्या होती है कोई पूछे आपको, तो आईएस कोड 13920/2016 कहता है एंकरेज लेंथ जो होती है वो इक्वल किसकी होती है, डेवलपमेंट लेंथ के प्लस 10 dB। 10 dB क्या हो गया, मतलब पहले तो समझ लो डेवलपमेंट लेंथ हमारी मोस्टली 50 dB 60 dB 45 dB ये रहती है, लेकिन जो हमारी एंकरेज लेंथ होती है वो होती है डेवलपमेंट लेंथ मतलब 50 dB प्लस 10 dB। 10 dB क्या हो गया, 10 जो भी डाया का बार यूज कर रहे हो वो। बट आर द मैथ कॉमन मेथड ऑफ क्यूरिंग द कंक्रीट, कौन से कॉमन मेथड हैं जिनसे क्यूरिंग की जाती है? एक स्प्रिंग होता है पानी फुहारा मारा पाइप से, दूसरा वेट कवरिंग मतलब वेट हैजन गिले बोरिए कपड़े करके उसको बिछाया जाता है, फिर पोंडिंग मतलब पूरी ऐसे आपने देखा होगा छत पे रेते से बनाई जाती है सैंड से बीच में पानी भर दिया जाता है, फिर केमिकल क्यूरिंग की जाती है कैल्शियम लगाया जाता है, फिर स्टीम क्यूरिंग होती है, ये प्रोसेस रहता है। बाकी ये आप सामने जो वीडियो देख रहे हो ये आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे मिल जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे मिल जाता है आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील हमें अगर निकालना हो उसका फार्मूला क्या रहता है, उसका फार्मूला रहता है D²L/162। ये बेसिक है, ये मोस्टली मैं हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। डी हो गया हमारा जो भी डाया का 10 डाया का है, 10² × लेंथ जितनी 1 मीटर का 2 मीटर का या 12 मीटर का, D²10²× 12 मीटर की लेंथ हम ले रहे हैं डिवाइड बाई 162, तो उसकी हमें वेट मिल जाएगा। What do you know about TMT? TMT क्या होता है? TMT बार आता है, स्टील आता है हमारा, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, मतलब इसका एक बनाने का प्रोसेस है, उसी पे इसको नाम दिया गया है TMT बार। और ये मोस्टली अभी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ है और हाई क्रोजन रेजिस्टेंट है, मतलब क्रोजन जल्दी नहीं लगती है और नॉर्मल स्टील्स के अकॉर्डिंग। बट इज़ द स्टैंडर्ड डायमीटर ट्रेमी पाइप, ट्रेमी पाइप कौन सी हो गई जो उसका स्टैंडर्ड उसका डाया कितना होता है, 200 mm से कम नहीं होती है, मतलब जो जिस जैसे मैंने पंपेबल की बात की या बूम प्लेसर, तो उसमें जो पाइप्स यूज़ की जाती हैं 200 mm उसका डाया रहता है और वो अच्छे से वैक्यूम उसमें प्रोग्रेड हो सकता है।